बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है बीफ मटन से बेटर। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में आधा कप तेल लिया है, उसके अंदर मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी थी, साथ में मैंने एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, चार लौंगें, छः से आठ काली मिर्चें और दो से तीन आप स्टिक्स लेने दालचीनी की, एक टीस्पून मैंने काला ज़ीरा और दो तेज़पात के पत्ते जो हैं वो ले लिए हैं। अब प्याज हल्की सी ट्रांसल्यूसेंट सी हो जाए तो उसके अंदर हमने सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर देने हैं और 30 सेकंड्स के लिए हमने इसको फ्राई करना है। 30 सेकंड तक फ्राई इसलिए करना है तो ताकि अच्छे से वो पक जाए। और उसके बाद तीन ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप कर ली थी, यानी स्लाइस कर लें आप उसको, और दो टेबलस्पून दही और दो टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा 30 to 40 सेकंड्स। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो कि हमने दो टीस्पून लिया है। इसको हम हल्का सा फिर से फ्राई करेंगे, हर चीज़ को इसी तरह से फ्राई करते जाना है थोड़ा थोड़ा। तो ये भी 20 to 30 सेकंड्स हम इसको हल्का सा सौते करेंगे या फ्राई करेंगे, हल्की सी खुशबू आने लगेगी। तो उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली जो हमने स्लाइस करके रखी हुई थी तीन अदद, उसको हमने डाल दिया है। ये तेज़ हैं तो उसे तीन लिए, वरना आप चार से पाँच भी ले सकते हैं अगर वो तेज़ ना हो तो। तो इस वक्त ये करने के बाद हमने फिर से थोड़ा सा 30 to 50 to 40 सेकंड्स इस तरह से फ्राई किया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही जो कि मैंने दो टेबलस्पून फेंट लिया है, अच्छी तरीके से उसको मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा वही 30-40 सेकंड्स के करीब, और बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर। तो हमने दो कप जो हैं चने लिए थे, इसको बॉईल कर लिया था, आधा टीस्पून मैंने सोडा डाल के, तो वो मैंने ढाई कप के करीब सॉरी लिया था मैंने, और क्योंकि मैं तीन कप चावल ले रही थी तो ढाई कप मैंने चने यहाँ पर लिए हैं। और अब इनको मैं थोड़ा सा पकाऊँगी, और साथ में मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है 1 teaspoon और सॉल्ट 1 tablespoon ऐड किया है। आप चिकन पाउडर की जगह चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चिकन क्यूब ले लीजिएगा उसको साथ ऐड कर दिएगा। साथ में रेड क्रश पेपर टेस्ट के लिए मैंने डाली है 1/4 teaspoon और गरम मसाला भी मैंने इसमें 1/2 teaspoon ऐड किया था, तो वो डाल के मैंने इसको अच्छे से पकाना है। तेल थोड़ा सा छूटने लगेगा तो तीन कप जो भीगे हुए चावल थे वो मैंने ऐड इसमें कर दिए हैं और इसको हमने अच्छे से पकाना है चावलों को। अभी पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा चावलों को भूनेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए, जैसे भुनी हुई खिचड़ी बनती है बिल्कुल इसी तरह से। अब देखें तेल थोड़ा सा अलग हो गया था चावलों से, कोई ऐसे 5-7 मिनट तकरीबन मैंने इसको भूना है क्योंकि चावल का पानी और चने का जो पानी था वो सूख गया, तेल थोड़ा अलग हो गया, चावल की भुनने की अलग सी स्मेल आने लगती है अच्छी सी, वो आने लग गई, तेल अलग हो गया। तो फिर मैंने ऐड किया इसमें वाटर, अकॉर्डिंगली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके जितना होगा उस हिसाब से आप एक उंगल ऊपर पानी रखेंगे। तो यहाँ 10 मिनट मैंने इसको पकाया था और उसके बाद फिर मैंने इसको दम पे रख दिया। दम पे रखने से पहले मैंने यहाँ पर 1 teaspoon 2 teaspoon पानी के अंदर थोड़ी सी सैफ्रन यानी ज़ाफ़रान ऐड करी हुई थी, वो भी मैंने लास्टली ऐड कर दी है। इस स्टेज पे आप दम पे जो है थोड़ा सा गरम मसाला और छिड़क लिएगा तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो लीजिए बहुत अच्छा सा बहुत सिंपल सा इजी सा चना पुलाव रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटन चिकन खा के हम अक्सर थक जाते हैं तो गर्मियों में ये इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये पुलाव मैंने सर्व किया था दही फुलकियों के साथ और इसको आप रेड लहसुन वाली चटनी जो होती है उसके साथ भी पेश कर सकते हैं, साथ में रायता के साथ भी और हरी चटनी के साथ भी। और मैंने इसलिए यहाँ पर शेयर नहीं करी दही फुलकी रेसिपी क्योंकि वो लंबी हो जाती वीडियो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगी। और ये पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि गर्मियों में बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो टू ऑल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।